10 रुपए की पेप्सी, दस रुपए की पेप्सी। भाई तो भाई लोग क्या हाल चाल सबके? मैं उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ ठीक चल रहा होगा। तो अभी तक आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज की हमारी वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फनी क्राउड मूवमेंट इन स्पोर्ट्स, यानी कि स्पोर्ट्स के कुछ फनी क्राउड मूवमेंट्स को। तो वीडियो एंड तक आप जरूर देखना, क्योंकि वीडियो एंड तक देखने में आपको मजा बहुत आएगा यार। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है जब मैच में कैमरा पहली बार आपके सामने आता है? ये तो यार इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया जैसे इसके सामने कैमरा नहीं बल्कि सनी लियोनी आ गई हो। कुछ लोग इस लड़के की तरह ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, तो कुछ लोगों को कैमरा देखने के बाद समझ में ही नहीं आता कि मुझे करना क्या है। अरे कुछ तो रिएक्शन दे दो अंकल, तुमसे कितना छोटा लड़का उछल कूद के फेंक दिया और आप है कि कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहे। टू बांग्लादेश स्टिल दे कैन स्माइल द सपोर्टर्स बट ओनली बिकॉज़ दे आर सीइंग देमसेल्व्स ऑन द बिग स्क्रीन बिकॉज़ ऑफ द रिजल्ट। ये तो मुझे भी नहीं समझ में आया कि क्या है। अच्छा यार, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। इस तरह के बच्चे नहीं, ये सच्चे नहीं, ये खुराफाती होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे बच्चों की। देख रहे हो भाई कितना टैलेंटेड है, यही बच्चे आगे चलकर रोनाल्डो और मार्क जुकरबर्ग जैसे बनते हैं। ऐसे बच्चे आगे चलकर क्या बनते हैं, आप लोग ही कमेंट करके बता दीजिए। अब आप इसको ही देख लो, ये बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसकी माँ साथ में आई है इसके। सोचो अगर इसकी मम्मी इसके साथ नहीं आई होती तो ये भी ऐसा कुछ कर रहा होता। ऑडियंस यार सच में पागल होती है। आप लोग नहीं यार, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि यहाँ इस मैच की ऑडियंस क्या करने वाली है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अच्छा यार, आजकल के कुछ लोग अपनी गर्लफ्रेंड को मैच दिखाने के लिए ले जाते हैं। आजकल जिसे देखो सभी यही कर रहा है। उनका मोटिव गर्लफ्रेंड को मैच दिखाना बिल्कुल नहीं होता है बल्कि प्रपोज करना होता है। बंदे भी दिमाग लगाते हैं, वैसे कहीं अकेले में अगर प्रपोज करूंगा तो दो झापड़ मार के रिजेक्ट कर देगी, पूरी क्राउड के सामने मना कोई थोड़ी कर पाएगा यार। अच्छा ऑडियंस तो ऑडियंस, क्रिकेटर्स भी यही फार्मूला अपना रहे हैं। कुछ लोग तो रिंग पहनाने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि उनकी रिंग ही गिर जाती है। मैं उन सभी बाकी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप इन लोगों को देखकर इंस्पायर बिल्कुल भी ना होइए। आप ऐसा कुछ करने से पहले अपनी गर्लफ्रेंड से एक बार जरूर पूछ लेना, नहीं तो आपके साथ ऐसा भी हो सकता है। देख लिया भाई, अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा लें और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करें। सतर्क रहें। जय। तो यार आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो एक थम्स अप, अगर नहीं पसंद आया तो मैं सादे पानी से भी काम चला लूंगा। और यार चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।